ग्वालियर में 14 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाना है। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच पिच पर घमासान देखने को मिलेगा। 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच होना है। यह मैच ग्वालियर के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्वालियर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महाआर्यमान सिंधिया भी ग्वालियर पहुंच गए हैं। सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि 14 साल से यहां पर कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हुआ था, लेकिन अब मैच होने जा रहा है। ग्वालियर के लोगों में भारी उत्साह है, जो अभी से देखा जा सकता है। मैच की तैयारियों में व्यस्त हूं और आयोजन सफल हो इसके भरसक प्रयास कर रहा हूं। सब उत्साहित है इस मैच के लिए, पूरी ग्वालियर की शहर उत्साहित है और हम चाहते हैं कि ये मैच सफलता से पूरी हो और सब लोग खुश हो, इसलिए हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अगले 4-5 दिन हम सुपरवाइज कर रहे हैं सब तैयारी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।